प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है दरबार हॉल में। रक्षा अलंकरण समारोह का ये पहला चरण है। स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य दरबार हॉल में उपस्थित। It's a day of great pride for the officers and their families who have gathered here. The officers have served the nation selflessly, and today the nation salutes their courage and duty towards the nation. Mani Pradhan Mantri Shri Narendra Modi, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Darbar Hall mein maujood hain. Aaj 10 asadharan veeron ko माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा, जो शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए दिया जाता है। साहस, बलिदान, असाधारण वीरता, कर्तव्य परायणता, सेवा, अभूतपूर्व साहसिक कार्रवाई, देश के लिए मर मिटने का जज्बा, यही है भारतीय वीरों की पहचान, भारतीय सेना की पहचान। और इस गौरवशाली परंपरा को बनाए रखा है वर्षों से भारतीय सेना ने। देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का दरबार हॉल में आगमन हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित प्रथम पंक्ति में। ऑफ द वेरियस रिसिपिएंट्स ऑफ ऑनर्स टुडे इज श्री हर्षपाल सिंह, हु इज द डिप्टी कमांडेंट ऑफ द सीआरपीएफ। ही टू विल रिसीव द कीर्ति चक्र फॉर हिज रॉ ग्रिट एंड मॉरल करेज, risking his own life to secure his troops as well as the local populace. This is also a day when the PVSM and AVSM honors are also granted. रक्षा अलंकरण समारोह कुछ ही समय के पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन होगा, और एक कीर्ति चक्र तथा दो शौर्य चक्र आज मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। 10 शौर्य चक्र कुछ कुल मिलाकर, उनके अलावा 14 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 2 उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। दरबार हॉल में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन हो रहा है। राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र। सैपर प्रकाश जाधव, द कोर ऑफ इंजीनियर्स, फर्स्ट बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत 27 नवंबर
2018 को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के रेडबानी वाला गांव में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई करते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने रक्षा कवच की मदद से अपने साथियों के साथ सुबह लगभग 3:30 बजे निर्धारित घर में प्रवेश किया। तलाशी दल को सीढ़ियों के ऊपर आता देख आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने साथी के लिए उत्पन्न हुए खतरे को भांपते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने साथी को पीछे धकेलकर सुरक्षित किया। आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपने सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने गोलीबारी करते हुए तलाशी दल पर पेट्रोल बम से हमला किया। कुशल नेतृत्व क्षमता और संयम दिखाते हुए सैपर जाधव ने अपने साथियों को बाहर निकलने का निर्देश दिया। इसी दौरान गोली लगने से घायल होने के बावजूद आतंकवादियों का निडरतापूर्वक मुकाबला करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी निरस्त कर दिया। इस बीच पेट्रोल बम की आग पूरे घर में फैलने से सैपर प्रकाश जाधव घर से निकलने में विफल रहे। अंततः अपने साथियों की जान बचाते हुए गंभीर घावों और आग की लपटों में झुलसने के कारण राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए। सैपर प्रकाश जाधव ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता तथा असाधारण सेवा भाव का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय प्रकाश जाधव की पत्नी श्रीमती रानी प्रकाश जाधव एवं माता श्रीमती शारदा जाधव शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स 55th बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गाँव पिंगलाना जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश ए मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर डोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल
नायब सूबेदार सोमवीर, द जाट रेजिमेंट 34th बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। मरणोपरांत नायब सूबेदार सोमवीर 34 राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। लक्षित मकान की घेराबंदी करते समय नायब सूबेदार सोमवीर ने विशिष्ट सैन्य कुशलता तथा साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सबसे संभावित रास्तों पर अपनी और अपने साथी की तैनाती की। एक आतंकवादी ने भीषण गोलीबारी के साथ साथ ग्रेनेड दागते हुए उस घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया जिसमें उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नायब सूबेदार सोमवीर ने अपने साथी को खतरे में देख स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए जख्मी होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में उस आतंकवादी को मार गिराया। बाद में उसकी पहचान एक खूंखार विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई। सीने में एवं गर्दन में गोलियां लगने के कारण अंततः वो वीरगति को प्राप्त हुए। नायब सूबेदार सोमवीर ने भीषण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता तथा अटूट निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक सूबेदार सोमवीर की पत्नी श्रीमती सुमन देवी एवं माता श्रीमती राजेंद्र देवी। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ADC। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल राजकरण सिंह शेरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल बार, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त।
लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार श्रीवास्तवा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सतेंद्र कुमार सैनी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह बेदी, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल संतोष कुमार उपाध्याय, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल आलोक सिंह क्लेयर, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अश्विनी कुमार चनन, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल कुलदीप शर्मा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र, श्री हर्षपाल सिंह, उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल।
12 सितंबर 2018 की सुबह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को झाझर कोटली के निकट एक मकान में 3 विदेशी आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई। तदनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त तलाशी और विनाश करने संबंधी ऑपरेशन के तहत 13 सितंबर 2018 को सुबह 10:55 पर आप एक छोटी सी टीम के साथ उस मकान की ओर तत्काल चल पड़े। आतंकवादियों ने आपके ऊपर भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी। आपने अपने साथी के साथ बराबर में मोर्चा संभाल लिया। आतंकवादियों ने आपके ऊपर लगातार ग्रेनेड दागे। आपने पेड़ के पीछे छिपकर लक्षित गोलीबारी कर एक आतंकवादी को उसी मकान पर मार गिराया और अन्य को जख्मी कर दिया। आतंकवादियों ने आपकी तरफ ग्रेनेडों से लगातार हमला जारी रखा, जिसमें आप बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके बावजूद आप आतंकवादियों पर लगातार हमला करते रहे। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण आपको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। शेष दोनों आतंकवादियों को सैन्य टुकड़ियों द्वारा धराशायी कर दिया गया, जिनके पास से शस्त्र, गोला बारूद एवं विस्फोटक सामग्री का एक बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ। इस प्रकार श्री हर्षपाल सिंह उप कमांडेंट ने अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ साथ स्थानीय जनता के जीवन की सुरक्षा करने के लिए स्वयं के जीवन को जोखिम में डालते हुए असाधारण नेतृत्व गुणों, अदम्य साहस तथा नैतिक हिम्मत का परिचय दिया। श्री हर्षपाल सिंह। युद्ध, संघर्ष एवं युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राजू बगावली सोमशेखर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एयर मार्शल शशिकर चौधरी, विशिष्ट सेवा मेडल, ADC। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कपूर, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार आनंद, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान, सेना मेडल बार, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल, अब लेफ्टिनेंट जनरल के सी पंचनाथन। मेजर जनरल, अब लेफ्टिनेंट जनरल ज्योतेंद्र सिंह संधू। मेजर जनरल संजय सिंह, सेना मेडल बार, विशिष्ट सेवा मेडल। रियर एडमिरल, अब वाइस एडमिरल श्री कुमार नायर, नौसेना मेडल। रियर एडमिरल, अब वाइस एडमिरल स्वामीनाथन कृष्णा, विशिष्ट सेवा मेडल। रियर एडमिरल फिलिपोसे जॉर्ज पनुमुत्तिल, नौसेना मेडल। रियर एडमिरल संजय वात्सायन, नौसेना मेडल।
एयर वाइस मार्शल, अब एयर मार्शल दिलीप कुमार पटनायक, वायु सेना मेडल। एयर वाइस मार्शल, अब एयर मार्शल गुरचरण सिंह बेदी, वायु सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल वीरेंद्र सिंह रंधावा, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल राजेश चोपड़ा, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अमित कुमार सन्याल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल बसवराज गुरु सिद्धपाल गिलगंजी, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल संदीप शर्मा, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल पावन आनंद, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल राजवीर सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
एयर वाइस मार्शल मनोज कुमार दीक्षित, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। मुख्य अभियंता सिविल आशु सिंह राठौर, विशिष्ट सेवा मेडल सीमा सड़क बल। अनिल कुमार, अपर महानिदेशक सीमा सड़क बल सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन, वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायुसेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडिनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू वायुयानों को, जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। लगभग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायुयानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया। आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। असाधारण हवाई सूझबूझ और शत्रु की रणनीति की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायुयान वाहित एयर इंटरसेप्ट रडार से निम्न ऊंचाई के वायु क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि दुश्मन का वायुयान भारतीय लड़ाकू इंटरसेप्टर वायुयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायु सेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खास तौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल अप कर्नल अजय सिंह कुशवाहा, जम्मू कश्मीर राइफल्स, 3rd Battalion, राष्ट्रीय राइफल्स।
जिला अनंतनाग जम्मू और कश्मीर में दिनांक 22 नवंबर 2018 की रात 11:55 पर आतंकवादियों की उपस्थिति की विशेष खबर प्राप्त हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल अजन सिंह कुशवाह सेना मेडल द्वारा तुरंत कार्रवाई कर संदिग्ध क्षेत्र के घेराव के लिए एक छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व किया गया। आतंकवादियों ने बाहर निकलते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की। अडिग रहकर आपने प्रमुख आतंकवादी को जवाबी गोलीबारी से बाध्य किया। चार आतंकवादियों के एक समूह द्वारा हमला करने पर आपने अदम्य साहस और निर्भीक जोश का प्रदर्शन करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। दुश्मन की गोलीबारी के बीच आपने अपने फौलादी इरादों को प्रदर्शित करते हुए सीमित कवर के साथ लश्करे तोयबा के दो कमांडरों श्रेणी ए प्लस प्लस का सामना किया और गहन नजदीकी संघर्ष में उन्हें मार गिराया, जबकि अन्य दो आतंकवादियों को आपने गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस प्रकार लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह कुशवाह सेना मेडल ने असाधारण सामरिक कौशल, बेबाक साहस और विशुद्ध नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया, जिसके कारण 6 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया गया। कर्नल अजय सिंह कुशवाह। कैप्टन अब मेजर महेश कुमार भूरे द इंजीनियर कोर 34वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। नवंबर 2018 को कैप्टन महेश कुमार भूरे ऑपरेशन टीम के मिशन लीडर थे। आतंकवादियों के घर में छुपे होने की सूचना मिलने पर कैप्टन महेश कुमार भूरे के दस्ते ने गोपनीयता से हरकत करते हुए ठिकाने की घेराबंदी की और आतंकवादियों को इसका एहसास होने से पूर्व उन्हें आश्चर्यचकित कर घरों के भीतर सीमित कर दिया। आभास होते ही आतंकवादियों ने अंधेरे का लाभ उठाकर भीषण गोलाबारी कर भागने और घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की। मौका देखकर आपने गुत्थम गुत्था की लड़ाई में एक कैटेगरी ए आतंकवादी को मार गिराया और बाकी आतंकवादियों को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए गोलाबारी में घायल हुए अपने साथी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और घेराबंदी को सुदृढ़ किया। पुनः अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए आप रेंगते हुए आतंकवादियों के ठिकाने के निकट पहुंचे और उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए आपने कैटेगरी ए आतंकवादी को ढेर कर दिया। इस प्रकार कैप्टन महेश कुमार भूरे ने अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अनुकरणीय नेतृत्व, अतुलनीय साहस और सहकर्मियों के प्रति कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। मेजर महेश कुमार भूरे। मेजर कोंजेंगबाम विजेंद्र सिंह द आर्मी एयर डिफेंस 23वीं बटालियन द असम राइफल्स। मणिपुर के एक गांव में कट्टर हथियारबंद आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना के आधार पर मेजर कोंजेंगबाम विजेंद्र सिंह ने एक विस्तृत योजना बनाई तथा जंगल युद्ध में कुशलता, दक्षता और रणनीतिक समझ के साथ बेहद भयावह जंगली रास्ते और मौसम की विषम परिस्थितियों के बावजूद लंबी दूरी पर निगरानी हेतु एक दल तैनात कर अत्यधिक शारीरिक और मानसिक सहनशीलता का परिचय दिया। 22 मार्च को दोपहर 1:30 पूर्व चेतावनी दल ने हथियारबंद आतंकवादियों की आवाजाही की सूचना दी, जिन्होंने समर्पण की मांग किए जाने पर उल्टे दल पर ही गोलीबारी शुरू कर दी। आपने अपनी टुकड़ी पर बड़े खतरे को भांपते हुए दुश्मन को पीछे ढकेलने में अदम्य साहस का परिचय दिया और निकट से आतंकवादियों पर जवाबी कार्रवाई की। इस साहसिक कार्रवाई के फलस्वरूप दो आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस तरह मेजर कोंजेंगबाम विजेंद्र सिंह मौत के मुंह से बाहर निकले। आपने अपने कर्तव्य से ऊपर जाकर निर्भीकता एवं मजबूत नेतृत्व का प्रदर्शन किया। मेजर कोंजेंगबाम विजेंद्र सिंह।
नायक अब हवलदार नरेश कुमार, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 42nd बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। जम्मू कश्मीर के गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एक महत्वपूर्ण संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें नायक नरेश कुमार स्काउट के रूप में तैनात थे। तलाशी दल से खुद को घिरा पाकर एक घर में छिपे आतंकवादी ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादी को खत्म करने के लिए उसकी घेराबंदी करना अत्यंत जरूरी था और यह कार्य नायक नरेश कुमार एवं उनके साथी को सौंपा गया। जैसे ही वे अपने सहयोगी के साथ आगे बढ़े, आतंकवादी गोलियों की बौछार करता हुआ उल्टी दिशा में भागा। नायक नरेश कुमार ने दूसरी दिशा में तैनात सैनिक टुकड़ी पर गंभीर खतरे को भांपते हुए सटीक निशाना लगाया और 5 मीटर की बेहद करीबी दूरी से आतंकवादी को मार गिराया, जिसकी पहचान बाद में एक खूंखार आतंकवादी के रूप में की गई। नायक नरेश कुमार भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अदम्य शौर्य, असाधारण संयम एवं अनुकरणीय दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। हवलदार नरेश कुमार। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा, 11th बटालियन द गोरखा राइफल्स, 37th बटालियन द असम राइफल्स। मणिपुर में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा ने सराहनीय कार्यकुशलता का परिचय देते हुए एक सशक्त सूचना नेटवर्क तैयार किया, जिसके द्वारा उनकी कंपनी ने योजनाबद्ध तरीके से 14 दुर्दांत आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। 23 जुलाई 2019 को मणिपुर के गांव में 2 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर लेफ्टिनेंट कर्नल लामा ने एक घेराबंदी अभियान का स्वयं नेतृत्व किया। आतंकवादियों की गोलीबारी के बीच घिरने के बावजूद अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने साथी को सुरक्षित बाहर निकाला तथा अपनी गोलीबारी से आतंकवादी को धराशायी कर दिया। इस बीच अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश कर रहे दूसरे आतंकवादी को भी इस बहादुर अफसर ने अपने सटीक निशाने से ढेर कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा ने साहसपूर्ण नेतृत्व, असाधारण वीरता एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा। नायब सूबेदार अब सूबेदार नरेंद्र सिंह, 9th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल। नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ रोधी दल के साथ तैनात थे। उनके निगरानी दल को भारी गोला बारूद के साथ शत्रु के अवैध रूप से नियंत्रण रेखा पार करने की सूचना मिली। कुशल निर्णय क्षमता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह ने झाड़ियों में छिपी अपनी टीम को रात के घने अंधेरे में सुनियोजित किया। साहसिक सूझबूझ के साथ शत्रुओं के मार्ग का जायजा लेते हुए आगे बढ़े। दुश्मन के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर अपने सटीक निशाने से 2 शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया, साथ ही एक तीसरे शत्रु को गंभीर रूप से घायल भी किया। उनके युद्ध कौशल एवं आक्रामक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप शत्रु का पोस्ट पर कब्जा करने का प्रयास बुरी तरह से विफल हो गया। सूबेदार नरेंद्र सिंह ने उत्कृष्ट बहादुरी, कुशाग्र युद्ध कौशल
एवं उत्तम नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। सूबेदार नरेंद्र सिंह। हवलदार आलोक कुमार दुबे, द राजपूत रेजिमेंट 44वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। दिनांक 22 जून 2019 को आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने पर गांव दारमदोर, जिला शोपिया, जम्मू और कश्मीर के नजदीक जंगलों में घेराबंदी और तलाशी अभियान प्रारंभ किया गया। हवलदार आलोक कुमार दुबे ने अपनी रणनीतिक सूझबूझ से कंपनी कमांडर को प्रारंभिक घेराबंदी लगाने में मदद की। वो खुद अंदरूनी घेराव में तैनात थे। सुबह 6:45 बजे आतंकवादी कम रोशनी और झाड़ियों का फायदा उठाकर घेराव तोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। चुनौती मिलने पर आतंकवादियों ने हथगोला फेंका और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आपने अपनी बेजोड़ निडरता व अभूतपूर्व साहसिक कार्रवाई का प्रदर्शन करते हुए भयंकर गोलीबारी और नजदीकी लड़ाई में एक आतंकवादी को मार गिराया। बाद में मारे गए आतंकवादी की पहचान कैटेगरी A++ आतंकवादी के रूप में हुई। व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना आप रेंगते हुए आगे बढ़े और साहसपूर्वक आतंकवादियों के बच निकलने के रास्ते को आपने बंद कर दिया तथा अपनी घेराबंदी को मजबूत किया, जिससे 4 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता मिली। इस प्रकार आपने अदम्य साहस, दिमागी सूझबूझ, उदाहरणात्मक पहल और अपूर्व साहस का प्रदर्शन करते हुए एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। हवलदार आलोक कुमार दुबे। अमित सिंह राणा, LME। मई 2018 से अमित सिंह राणा LME को ऑपरेशन रक्षक के लिए जम्मू और कश्मीर में तैनात किया गया था, जहां इन्होंने कई ऑपरेशनों में भाग लिया। 20-21 सितंबर को आप एक कॉर्डोन और खोजी ऑपरेशन में 14 RR के साथ ऑपरेशन शोक बाबा में शामिल थे, जहां आतंकवादियों को शोक बाबा नामक गांव के एक घर में घेरा गया था। आतंकवादी गौशाला में सुरक्षित छिपे बैठे थे। ठीक इस दौरान आप और आपकी टीम निडरता से आगे बढ़ी। बाकी के मार्कोस द्वारा दिए गए कवर फायर में आपने तेजी से स्थिति के अनुकूल गौशाला में IED रख दिया। आतंकवादियों ने आप पर गोलियां दागी। उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस निडर नौसैनिक ने बहादुरी के साथ गौशाला को उड़ा दिया और 3 आतंकवादियों का सफाया कर दिया। ऑपरेशन डन्ना में आपने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा भी परवाह किए बिना अपने अफसर को कवर फायर देते हुए बेहद करीब से एक आतंकवादी को मार गिराया। भारतीय सेना ने भी दोनों ऑपरेशनों के दौरान इस नौसैनिक की भूमिका की सराहना की थी। इन 2 ऑपरेशनों में 8 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस प्रकार अमित सिंह राणा LME ने आतंकवादियों को निष्क्रिय करने में अनुकरणीय साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता तथा रणनीतिक कुशलता और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। श्री अमित सिंह राणा। राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए।
Honorable President conferred gallantry awards in various categories for the year 2020 in the first phase of the defense investiture ceremony. The second phase will be held this evening at 5 p.m. माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद रक्षा अलंकरण समारोह के प्रथम चरण के पश्चात दरबार हॉल से प्रस्थान कर रहे हैं। इसके साथ ही तो राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर रक्षा अलंकरण समारोह में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको राष्ट्रपति भवन से दिखा रहे थे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि साहस बलिदान गौरवशाली परंपरा को सेना ने जिस तरह से निभाया है, उसके लिए ही ये सम्मान समारोह रखा गया था, और इसीलिए यहाँ पर ऐसे जवानों को सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ जो इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित